वक्त हर जख्म को, हर गम को मिटा देता है। वक्त के साथ ये सदमा भी गुजर जाए। ये बातें जो दोहराई है मैंने इस वक्त, ये बातें जो दोहराई है मैंने इस वक्त, तू भी एक रोज इन्हीं बातों को दोहराएगा। मेरे दोस्त, मायूस मत हो अपनी जिंदगी में। ये बिजनेस आज कम हुआ है, आने वाले समय में फिर मेरा बिजनेस वही जाएगा जो पहले जाता था। नमस्कार दोस्तों, मैं राजू शर्मा बिलोंग करता हूँ शेखपुरा से। मैं आज कुछ अपने साथियों से बात किया बिजनेस से रिलेटेड, लेकिन उनका जवाब कुछ अलग ही आया। हर लोग कहते हैं कि इस पैंडेमिक में हम बिजनेस को कैसे बढ़ाएं। उनका कहना भी जायज है कि ये पैंडेमिक है और इस पैंडेमिक में लोगों का बिजनेस बिल्कुल ठप सा हो गया है, और इस पैंडेमिक में हम उनसे उम्मीद रखते हैं कि बिजनेस थोड़ा बढ़े, बहुत नहीं तो थोड़ा भी बढ़े, लेकिन होता नहीं है ऐसा। लेकिन अगर जिनसे हम बात किए, अगर हम उनको ये बताएं कि बिजनेस ये मेरा टेंटेटिव है, ये बढ़ता घटता बिजनेस है, आज हमारा बिजनेस कम हुआ है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम असफल हो गए अपने ज़िंदगी में, या हमारा बिजनेस बहुत ही कम हो गया, इसके लिए हम अपनी क्षमताओं को खो दें। क्षमताओं को बनाए रखें, मीटिंग सेमिनार अटेंड करते रहें, जूम मीटिंग पर जो अभी मीटिंग चल रही है उसको अटेंड कीजिए, और वहाँ नए नए टिप्स मिलते हैं कि आप इस पैंडेमिक में भी आप अपना बिजनेस को बेहतर कर सकते, बहुत बेहतर कर सकते हैं। और ऐसा मैं खुद अपना चुका हूँ, और आज इस पैंडेमिक में मैं सबसे ज़्यादा जूम मीटिंग अटेंड करता हूँ। इससे मुझे मोटिवेशन पावर भी मिलता है और सेल्फ कॉन्फिडेंस भी मिलता है, और लोगों के बीच में अब कॉन्फिडेंटली इन सभी मुद्दों को रख पाता हूँ। कुछ लोग हमसे सवाल करते हैं कि इस पैंडेमिक में बिजनेस को कैसे मेंटेन किया जाए। इस पैंडेमिक में भी आप अपने बिजनेस को मेंटेन कर सकते हैं। आपकी जो डाउनलाइन है आप उनसे बात कीजिए। बात करने से क्या होगा कि उनके पास जो समस्या है आप उसको सुने और नोटिस करें, है ना, और उस समस्या को समाधान करवाएं। आपसे क्षमता है तो आप ही करें, नहीं तो अपने अपलाइन या ग्रेट अपलाइन के पास उनका नंबर दे, वो उनसे बात करके उनकी समस्या का समाधान करेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, इस बातों को याद रखिए, किसी महान व्यक्ति ने ये बातें कही है, यदि जीवन में प्रगति करने और बुद्धिमानी की कोई बात है तो वह एकाग्रता है, और यदि कोई खराब बात है तो वह अपनी शक्तियों को बिखेर देना। उन्होंने साफ कहा है, आपके पास सामर्थ्य है, आपके पास क्षमता है, आपके पास शक्ति है किसी भी तरह के बिजनेस को खड़ा करने की, किसी तरह के बिजनेस को चलाने की, तो आप अपनी शक्तियों को, अपने सामर्थ्य को मत खोने दीजिए। आप अपना अस्तित्व को बचाए रखें, क्योंकि ये समय आज पैंडेमिक का है, लेकिन आने वाला समय पैंडेमिक का नहीं रहेगा, और ये पैंडेमिक कुछ ही दिनों का है, और कुछ दिन के बाद फिर वापस हमें वही दिन मिलेंगे जिस दिन में हम लोग जिया करते थे, बिजनेस को किया करते थे, लोगों से मिला करते थे, वही दिन फिर आने वाले हैं। तकदीर के खेल से निराश नहीं होते, तकदीर के खेल से निराश नहीं होते, जिंदगी में कभी उदास नहीं होते। हाथों की लकीरों पर यकीन मत करना, तकदीर तो उनकी भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते, तकदीर तो उनकी भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते, तो हम अपना तकदीर हाथों में क्यों ढूंढे? अपना तकदीर हाथों से लिखेंगे और हम अपने बिजनेस को फिर स्टैंड करेंगे, सब साथ मिलकर करेंगे। एक टीम में जितने भी लोग हैं उनको वापस जूम मीटिंग पर मीटिंग करवा कर उनको प्रशिक्षण दे करके वापस अपने बिजनेस को मेंटेन कर लेंगे।